वेलकम टू वन अकेडमी। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं UGC-NET GRF। ठीक है, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर्स MCQs हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सो कल जो है मेरी स्पेशल क्लास है 7 बजे, तो आप लोग सभी आ सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको अन अकेडमी पर मुझे फॉलो करना होगा और वहाँ से अगर आपको एक नोटिफिकेशन आता है तो उसको आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं अन अकेडमी पर एक वेरीफाइड एडुकेटर हूँ। अन अकेडमी एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं आपको डेली लाइव क्लासेस दे रही हूँ। सो चलिए, जो बच्चे दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिसंबर के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चे, कंप्लीट कोर्स आने वाला है मेरा पॉलिटिकल साइंस पर। और जो बच्चे अन अकेडमी पर मेरे फ्री लेसन देखना चाहते हैं तो फ्री लेसन देख कर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है मीनाक्षी सिंह ट्यूटर 1996, इसको लेकर आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। सो चलिए, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, सो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन है आज हमारा, असर्शन दिया हुआ है और रीजन यहाँ है। ठीक है, तो असर्शन कहता है ट्रेडिशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कॉम्प्लीमेंट्स द इकोनॉमिक मैन कॉन्सेप्ट गिवन बाय FW टेलर। आर कहता है मटेरियल रिवॉर्ड्स आर इंसेंटिव्स फॉर मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क हार्डर फॉर मोर मटेरियल बेनिफिट्स। सो यहाँ कोट्स दिए हुए हैं, हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए। अभिकथन कहता है कि प्रेरणा का पारंपरिक सिद्धांत FW टेलर द्वारा दिए गए आर्थिक आदमी की अवधारणा को पूरा करता है। और कारण कहता है सामग्री पुरस्कार संगठनों के सदस्यों को अधिक भौतिक लाभों के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर है ए इज ट्रू, जो ए असर्शन है हमारा वो तो सही है, बट अ रीज़न जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इंटरेस्ट फाइंड द इम्पॉर्टेंट प्लेस। तो लिबरल अप्रोच है, रियलिस्टिक अप्रोच है, मार्क्सिस्ट अप्रोच है या ट्रेडिशनल अप्रोच है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण राष्ट्रीय हितों की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान देता है? लिबरल दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण या पारंपरिक दृष्टिकोण? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यथार्थवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म पब्लिक डिप्लोमेसी। पब्लिक डिप्लोमेसी शब्द का उपयोग करने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो एडमंड गुलिन थे, ब्लैक थे, कोहेन थे या निकोलसन, जो हेरोल्ड निकोलसन है ना, निकोलसन थे। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो एडमंड गुलिन इज अ फर्स्ट स्कॉलर टू यूज अ टर्म पब्लिक डिप्लोमेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन टिकमैन इज अ फेमस रियलिस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं ये, लिबरलिस्ट हैं या मार्क्सिस्ट हैं? एन टिकमैन जो प्रसिद्ध हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं? एक यथार्थवादी होने की वजह से, एक नारीवादी होने की वजह से, एक उदारवादी होने की वजह से या एक मार्क्सवादी होने की वजह से? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन टिकमैन जो है फेमस है, फेमिनिस्ट हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना है लिस्ट वन लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट में वन में बुक्स और लिस्ट टू में ऑथर्स। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अर्नेस्ट हॉस, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स डेविड मित्रेनी, और वर्किंग पीस सिस्टम जोएन मेयर शिमर, यूनाइटिंग यूरोप कैनेथ वॉल। तो आपको यहाँ पर कोई ऐसी बुक लगती है नज़र में आ रही है कि जो आप जानते हो? देखिए फटाफट, क्योंकि हमें क्या, अगर एक या दो ऑप्शन भी अगर हमें पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ठीक है, सो आंसर देख लेते हैं।
ये देखिए हिंदी में दे रखा है, हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे, या पुस्तकें हैं या प्रमाण, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये आपके हो जाएंगे कैनेथ वॉल्ज, ठीक है। ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जॉन मेयर शीमर, ठीक है। वर्किंग पीस सिस्टम, ये हो जाएंगे डेविड मित्रेनी, और यूनाइटिंग ऑफ यूरोप, ये हो जाएंगे अर्नेस्ट हॉस, ठीक है। तो ये है राइट सिक्वेंस, तो ये आप आपको ध्यान रखना है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैनेथ वॉल, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जॉन मेयर शीमर, अ वर्किंग पीस सिस्टम डेविड मित्रेनी, द यूनाइटिंग ऑफ यूरोप अर्नेस्ट हॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ पॉलिसी ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो यहाँ पर दे रखा है मैकडॉगल, एंडी नाइट, लास्वेल या माइकल रीजमैन। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय कानून की नीति उन्मुख दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंडी नाइट, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय कानून की नीति उन्मुख दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है? ये बाकी समर्थक हैं, ठीक है, ये बाकी 1, 2, 3, ठीक है, ये जो तीनों हैं, ये क्या है, ये सपोर्टर हैं, क्या है ये सपोर्टर हैं, बट इनको छोड़कर ये सपोर्टर नहीं है, एंडी नाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करने के लिए आगे आपका यहाँ पर ऑथर है और यहाँ पर आइडियाज दिए हुए हैं, एंथोनी गिडेंस है, ठीक है, और आपके जे एन रुसेनो है, गिलपिन है, वॉलस्टीन है। तो यहाँ पर कहता है कैपिटलिज्म हैज अ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्लोबलाइजेशन, बी कहता है पॉलिटिक्स फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हिंदी में भी दिखा देती हूँ मैं, एंथोनी गिडेंस, रोसेनो, गिलपिन, वॉलस्टीन। पूंजीवाद ने वैश्वीकरण में योगदान दिया है, राजनीतिक कारक वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार हैं, वैश्वीकरण तकनीक विकास का परिणाम है, और वैश्वीकरण आधुनिकरण का कोड का परिणाम है। तो यहाँ पर देखिए सबने क्या बोला है, सबने वैश्वीकरण पे अपने विचार दिए हैं, तो यहाँ पर आपको इसी का ही आंसर प्रोवाइड करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, यानी कि एंटोनियो गिडेंस जो बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। कोड्स तो यहाँ पर आपको दे रखा है वैसे, ठीक है, और फिर उसका बाद आपका जो ये हो जाएगा, इनका हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन इज रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, देन आपका गिलपिन का हो जाएगा पॉलिटिक्स फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन, एंड वॉलस्टीन का हो जाएगा कैपिटलिज्म हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में देख लो, हिंदी में जो बच्चे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट का एंथोनी गिडेंस क्या बोलते हैं कि वैश्वीकरण आधुनिकीकरण का परिणाम है, ठीक है, ये जो कोड है वो यहाँ पर मतलब नीचे में यहाँ पर इधर आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका जो रसोनो है ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं वैश्वीकरण तकनीक विकास का परिणाम है। गिलपिन क्या बोलते हैं, राजनीतिक कारक एक वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार है। वॉलरस्टीन कहते हैं पूंजीवाद ने वैश्वीकरण में योगदान दिया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज करना है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिंगापुर, सेटल, दोहा या हांगकांग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, WTO की कॉन्फ्रेंस दी हुई है, अब आपको ये कॉन्फ्रेंसेस बतानी है, ठीक है। तो अब मैं आपको टाइम दे देती हूँ, आप लोग देख लो क्या होना चाहिए राइट आंसर। हिंदी में दिखा देती हूँ, हिंदी में ये रहा, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हुआ था सिंगापुर में, और कब हुआ, 1996 में, ठीक है, रुकिए बस दो मिनट रुकेगा। ठीक है, ये कब हुआ आपका, 1996 में हुआ,
है ना, 1996। सीटेल का देखें तो सीटेल जो हुआ है आपका, ठीक है, सीटेल वाला हुआ है आपका 1999, ठीक है। फिर दोहा अगर देखें, दोहा में हुआ है आपका 2001 में, ठीक है। और फिर हांगकांग बचा, हांगकांग, हांगकांग में हुआ है आपका 2005 में। तो ये तो आपका सीक्वेंस बन गया, ऐसे ही ए बी सी डी बन गया ना, बन गया 1996, 1999, 2001, 2005, है ना। चलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इज़ अ करेक्ट आंसर, है ना, ए बी सी डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर असर्शन दिया हुआ है और रीज़न दिया हुआ है, ठीक है। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर सीक्स टू प्रमोट मोर हारमोनियस एंड फेवरेबल रिलेशन बिटवीन द एडवांस नेशन एंड डेवलपिंग कंट्रीज। द टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू द डेवलपिंग कंट्रीज इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ दैम। तो यहाँ पर हिंदी में भी देख लीजिए, अभिकथन और कारण आपको अच्छे से पढ़ना है, तब आंसर प्रोवाइड करना है। नए अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक आदेश हैं उसमें उन्नत राष्ट्रों और विकासशील देशों के बीच अधिक सामंजस्यीकरण, सामंजस्यपूर्ण और अनुकूल संबंधों को बढ़ावा देना है। कारण कहता है विकासशील देशों के लिए व्यापार और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की शर्तें उनके लिए फायदेमंद नहीं हैं। तो क्या होना चाहिए राइट आंसर? राइट आंसर दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही है ना, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, चलिए ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द राइट ऑफ डेवलपमेंट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ ह्यूमन राइट बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 1980, 1986, 1998, 2006। अब आपको भारत का तो पता होगा, भारत में 10 दिसंबर 1948, है ना, यही है ना। अब ये महासभा इसी में पूछ रहा है, यूएनओ से पूछ रहा है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से रिलेटेड पूछ रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष में विकास के अधिकार में मानव अधिकार के रूप में घोषित किया गया था? तो किस ईयर में किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर है 1986, ठीक है, 1986 इज द करेक्ट आंसर। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आज मैं आप लोगों को कुछ मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। सो मैंने आपको बोला था कि मैं एक वीडियो डालूंगी, तो मैं इसी में ही कर दे रही हूँ, ठीक है, तो आप लोग देख लेना। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हेल्ड इट्स सेशन? अदीस अबाबा, पनामा सिटी, जेनेवा या हवाना? करेक्ट आंसर करना है, कौन सा सही है, हिंदी में देख लो। किस स्थान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने सत्र आयोजित किए हैं? अदीस अबाबा, पनामा शहर, जिनेवा, हवाना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सही है ये पूरा, ठीक है, 1, 2, 3, and 4 करेक्ट है ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, यहीं से मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। जो किसान आंदोलन रहे हैं, ठीक है, किसान आंदोलन में आपको उनके आंदोलन से रिलेटेड पूछ लिए जाएंगे कि कौन कौन से, ये नाम आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है, नामों से आपको देखना पड़ेगा। अगर नाम अगर आपके पास होंगे उनके, तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ये भारत का है, ठीक है। तो देखिए, किसान जो है फर्स्ट, अगर आपको जो नाम याद रखना है, किसान, रुकिए मैं ये पेन ले लेती हूँ, ठीक है, किसान सभा आंदोलन, ठीक है, किसान सभा आंदोलन ही कहाँ का है? बिहार का है। कहाँ का ये? बिहार का है, ठीक है। और ये किसके द्वारा है? इनके जो एक तरह से इसका नेतृत्व जिन्होंने किया है वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। और फिर आपको दूसरा आपको बता दूं, 1936 का है आपका भारतीय रुकिए ऊपर आ जाएगा, अखिल भारतीय किसान सभा,
ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा, ये 1936 की है, इसे AIKS बोला जाता है, AIKS, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका नेतृत्व किसने किया है, इसका नेतृत्व भी आपका इन्होंने ही किया है, ठीक है, इनके पहले मतलब स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसीलिए मैंने आपको इसी स्लाइड में इसको बता दिया। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, अब मैं आपको यहां पर बता देती हूँ, है ना। अब देखो आपको चंपारण भी याद रखना है, ठीक है, चंपारण, चंपारण भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, चंपारण हो गया, चंपारण सत्याग्रह कब का है याद है, दिमाग पर जोर डालो, 1917 का है, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, खेड़ा किसान संघर्ष हो गया, खेड़ा किसान संघर्ष, ठीक है। थर्ड है आपका बारदोली आंदोलन, ये बहुत बार पूछा हुआ है और अभी एंट्रेंस में भी आया था, ठीक है, बारदोली आंदोलन, ये एंट्रेंस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बारदोली आंदोलन, ठीक है। और चौथा आपका मोपाला विद्रोह, ठीक है, क्या है मोपाला विद्रोह, ये ऐसे नाम है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मोपाला विद्रोह। और फिर पांचवा देख लेते हैं, किसान विद्रोह, तेलंगाना का है ये किसान विद्रोह, ठीक है, कहाँ का है, तेलंगाना का। और एक है छठा, मैं आपको बता देती हूँ, इसका नाम है तेभागा आंदोलन, क्या नाम है, तेभागा, ता तरबूज, ठीक है, तेभागा आंदोलन, ठीक है, ये कुछ आंदोलन है जो मैंने आपको बताया। ये वाला 1917 का है, ठीक है, तो बिहार के, बिहार और खेड़ा, ठीक है, चंपारण बिहार और खेड़ा गुजरात, ठीक है, यहाँ के किसान जो थे नेतृत्व कर रहे थे वो तो आपको पता ही है, ठीक है, इसकी कहानी जो है, ठीक है। उसके बाद जो है खेड़ा किसान संघर्ष जो है, ठीक है, ये खेड़ा किसान संघर्ष का मैं आपको बता देती हूँ, लिख लेना प्लीज़, नोट्स बना लेना, ठीक है। खेड़ा जो है ये गुजरात के मध्य भाग में स्थित है, तो वहीं का है ये, ठीक है। और तंबाकू और कपास की फसलों की खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ था, ठीक है, ये उस वक्त जगह जो थी वो काफ़ी उपजाऊ थी, ठीक है। और गुजरात में मतलब इसमें किसान शामिल थे और वो अनुरोध करते हुए, ठीक है, मूल्यांकन को राजस्व जो टैक्स से रिलेटेड था, टैक्स, ठीक है, टैक्स से रिलेटेड अनुरोध इन्होंने किया उच्च अधिकारियों से कि उस टैक्स को क्या कहते हैं थोड़ा कम किया जाए, तो अधिकारियों ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने करों का भुगतान ना करने के संबंध में किसानों ने ये आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है। और जो खेड़ा सत्याग्रह था, खेड़ा किसान संघर्ष, ये 1919 का है, ये आप ध्यान रखना। और इसका जो नेतृत्व किया था वो वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, गांधी जी, हमारे एन जोशी थे, ठीक है, तो वो इस वक्त के थे। गुजरात में हुआ था बारदोली आंदोलन, ये भी कहाँ का है, गुजरात का है, गुजरात का बारदोली आंदोलन। और कब का है ये, 1925 का है, कब का है, 1925 का, ठीक है। तो बारदोली में क्या था, उस वक्त भारी बाढ़ और भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है, जिसके तहत क्या हुआ, फसलें बिगड़ गई, फसलें खराब हो गई, फसलें चौपट हो गई, तो इसी से क्या हुआ, किसानों की जो वित्तीय स्थिति थी बड़ी खराब हो गई, परेशानी में आ गए वो लोग, ठीक है। तो तालुका ने आपदाओं के बारे में बताने के लिए नागरिकों के अनुरोधों और याचिकाओं पर ध्यान दिए बिना सरकार ने कर की दर को कम करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, तभी बारदोली आंदोलन किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मोपाला विद्रोह पे, ठीक है। मोपाला विद्रोह जो था वो हुआ था मालाबार, मालाबार आपको ये नाम ध्यान रखना है, ठीक है, मालाबार, मालाबार मोपाला विद्रोह, ठीक है, मालाबार में हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या थे, केरल के मालाबार, ये कहाँ पर है, केरल में है मालाबार, कहाँ पर है बच्चों, केरल में है, केरल में है मालाबार, ठीक है। और वहाँ पर मुस्लिम किसान थे, कहाँ, कैसे किसान थे, मुस्लिम किसान थे, और ठीक है, कृषक के रूप में काम किया उन्होंने। और इसमें क्या था, 1921 में शुरू हुआ था, 1921 में ये मोपाला विद्रोह शुरू हुआ था, ब्रिटिश शासन के अधीन था उस वक्त, ठीक है। और वही अत्याचार जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, अत्याचार, वही राजस्व रिलेटेड। तेलंगाना विद्रोह बताया मैंने, ठीक है, तेलंगाना में किसान विद्रोह बताया था ना, ये कहाँ पर हुआ था, तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में हुआ था ये वाला, ठीक है। इसी से भी वही चीज़ है, इसमें भी
1930 या 1946 के आसपास का है, मतलब ज़्यादा दिन तक चला था, ठीक है, आई थिंक 1946 के आसपास का, आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद तेभंगा आंदोलन जो है ये कहाँ का है, ये बंगाल का है, ठीक है, बंगाल का है ये वाला। तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर इसमें दो तिहाई जमींदार के लिए एक तिहाई की मांग की थी, और शेयरधारक उपज का 50-50 हिस्सा अपने किराएदारी पर देते थे। उस समय जो फसल थी वो बंटवारे की प्रणाली को बरगा आदि भंगी आदि के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, इसमें 1946 की फसल के दौरान बंगाल के कुछ खेतों में क्या कहते हैं हुए बटाई हुई, जैसे बटाई होती है ना खेतों में, तो वहाँ पर फसलों को काट दिया और उन्हें अपने दम पर फेंक दिया, ठीक है, ऐसा मतलब वहाँ पर कुछ हुआ था, ठीक है, किसानों द्वारा। तो इसे ही तेभंगा आंदोलन कहते हैं। ये सफल भी रहा था कुछ हद तक, ठीक है, 40% जो किसान थे उन्होंने भूस्वामियों द्वारा तेभंगा अधिकार प्रदान किया गया इनको, ठीक है। और ये जो था ये 1948 से 1950 तक था, ठीक है, 1948 से 1950 तक चला था, ठीक है। सो चलिए आज के लिए थैंक यू, इतना ही, ठीक है। मैंने आप लोगों को जितना इम्पॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया आपको, किसान आंदोलन। तो कल इसी तरीके से मिलेंगे और कुछ दलित जो हैं दलित आंदोलन से रिलेटेड देख लेंगे, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो सच में पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम बहुत नियर है, ठीक है, अभी पता चला इलेक्ट्रॉनिक वाले पेपर में पता चला है कि एग्ज़ाम जो है वो एक ही मीडियम में आया था, यानी कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम में दे रखा था, ठीक है, किस में दे रखा था, ओनली इंग्लिश मीडियम में था, और वहाँ पर ऑप्शन नहीं था लैंग्वेज को चेंज करने का, ठीक है, लैंग्वेज को चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसके अगेंस्ट जो है बच्चे RTI फाइल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है, पूरे इतने साल, मतलब इतने सालों तक वो लोग पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, और आखिरकार ये होता है, ठीक है, सबके बारे में सोचना चाहिए। सो आप लोग जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड्स देख लेना, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस वाले, क्योंकि आपका 25 को एग्ज़ाम है, ठीक है, तो 25 को आप लोग देख लेना कि हाँ आपको लैंग्वेज में प्रेफर होगी नहीं होगी, अगर नहीं होती है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आई होप कि आप लोगों को लैंग्वेज मिले हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेजेस में हमारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। सो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।